गाइस, आप सबका वेलकम है तरन्नुम साकिब चैनल में। तो जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एक न्यू न्यू रेसिपी सीखने के लिए, एक न्यू न्यू वीडियो देखने के लिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ कैंडी शेक की रेसिपी। इसे बनाना इतना आसान है और 2 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाता है, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। अब बहुत ही टेस्टी बनता है, तो चलें बनाते हैं, फुल वीडियो में बने रहें। शेक बनाने के लिए यहाँ मैं ली हूँ कैंडी, देख सकते हैं। यहाँ मैंने 3 पैकेट ले रखा है। यहाँ मैं ली हूँ ड्राई फ्रूट, यहाँ ड्राई फ्रूट मैंने थोड़ा सा कटिंग कर ली हूँ गार्निशिंग के लिए, बादाम और काजू। इसमें किशमिश भी मैं ऐड कर दूँगी, इसे हटा दूँगी, इसका कोई काम नहीं है, ये बस काजू और बादाम का ही काम है इस शेक में। और ये चाहिए मिल्क चाहिए, और यहाँ मैं ले ली हूँ बिल्कुल चिल्ड मिल्क, ये मैं काउ मिल्क ली हूँ। तो यहाँ मैं एक कैंडी को खोल लेती हूँ और जार में डाल लेती हूँ। तो इसे कर लेंगे जार के अंदर ऐड। इसके अंदर जाएगा 4 बादाम, 4 काजू। इसको एक बार अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने 5 सेकंड के लिए चलाया है, बट ऐसा ही ये हुआ है। इसके अंदर मुझे मिल्क ऐड करना पड़ेगा, तो मैं सोच रही हूँ कि एक और कैंडी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ मिल्क भी ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं एक और कैंडी खोलकर डाल दूंगी। ये तो कैंडी से ही ये बिल्कुल मेल्ट होने लगता है, देखिए कितना अच्छा फ्रेश फ्रेश है। और मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी। ये बहुत ही टेस्टी कैंडी शेक बन के रेडी होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, तो इसे मैं गिलास में ढाल लूँगी। तो यहाँ मैं ली हूँ मलाई, फ्रेश मलाई है, तो ये मलाई मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इससे क्या है, टेस्ट और भी बढ़ जाएगा इसका। आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट है तो आप डाल दें उसे। यहाँ मैं ड्राई फ्रूट जो कटिंग करके रखी थी उसे ऐड कर दूंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैंडी शेक हमारा रेडी है। तो ये कैंडी शेक बनाने में सिर्फ 2 मिनट का काम है। कोई गेस्ट भी आते हैं तो आप उन्हें बना कर देंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और बहुत टेस्टी बनता है ये, और बहुत कम चीज़ों से बन जाता है। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जो न्यू है मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक न्यू न्यू रेसिपी देखने के लिए। फिर कल मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ।